अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्मानरी फिटनेस। आजकल एक सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और वो ये कि सर आपने हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा एग्स रखे हैं, हम इतने एग्स नहीं खा सकते, इससे हम बीमार हो जाएंगे, अब हमारे पेरेंट्स हमें नहीं खाने देते, आगे गर्मी आ रही है, गर्मियों में तो इतने अंडे नहीं खाने चाहिए। और मैं जब उनसे ये पूछता हूँ कि क्या वजह है कि इतने एग्स खाने से आप बीमार होंगे, वो कौन सा रीज़न है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। और मेजॉरिटी का जवाब जो होता है वो ये होता है कि हमने ऐसा सुना है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी ऊपर एक वीडियो बना ली जाए जिसमें मैं आपको डिटेल से समझा सकूं कि किस तरह और कितने एग्स जो हैं वो हमारी सेहत के लिए अच्छे हैं और कितने हमारी सेहत के लिए बुरे हैं या वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम एक होल एग की बात करें, एक 50 ग्राम का जो एक मुकम्मल अंडा होगा उसमें अराउंड 70 कैलोरीज होंगी, 6 ग्राम्स उसमें आपकी हाई क्वालिटी प्रोटीन होगी, 4 ग्राम उसमें आपके फैट्स होंगे जिसमें से 1 ग्राम आपका सैचुरेटेड फैट होगा और 3 ग्राम आपके अनसैचुरेटेड फैट होंगे। अब अगर हम अंडे को देखें तो ये सुपर फूड्स में काउंट होता है। सुपर फूड्स में काउंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें बेतहाशा न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिंस हैं। जहां इसमें प्रोटीन और फैट है वहीं इसमें विटामिन ए है, विटामिन B2 है, विटामिन B5 है, B12 है, विटामिन डी है, ई है, विटामिन के है, फिर इसमें जिंक है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये एक मुकम्मल सेल है। और अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट ये है कि ये आपकी जेब पे भारी नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल है, आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन बहुत कम प्राइस में मिल जाती है। फिर अगर हम इसकी प्रोटीन की बात करें तो ना सिर्फ ये कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है बल्कि इसमें तमाम अमीनो एसिड्स मौजूद हैं, और फिर अमीनो एसिड्स के साथ जो उनकी आइडियल रेशियो होनी चाहिए किसी भी प्रोटीन में जिससे आपके मसल्स मजबूत हों, मसल्स डेवलप हों, वो इसमें मुकम्मल रेशियो है। यानी ये एक बैलेंस्ड अमीनो एसिड प्रोफाइल के साथ है। फिर अब लोग बात करते हैं कि हम तो अगर एग खाएंगे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, लेकिन कौन सा बढ़ेगा? एक होता है HDL जिसको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं और इसे गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। इसके लेवल्स बढ़ेंगे और जितने इसके लेवल्स ज्यादा होंगे इसका क्या मतलब है कि उतने कम चांसेस होंगे आप में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के। और जहां आपका LDL की बात है जिसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं उसमें थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन वो इतना फर्क नहीं होगा कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करे। तो कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ेगा लेकिन गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। फिर इसमें ओमेगा 3 होता है। ओमेगा 3 ना सिर्फ ये कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है बल्कि ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स को भी कम करता है। फिर इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें ल्यूटिन है, जीएक्सेंथन है, विटामिन ए है। ये आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपकी आईसेट वीक है तो ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और आपकी आईसेट को वीक होने से भी बचाते हैं। फिर इसमें केमिकल कंपाउंड होता है जिसे ल्यूटिन कहते हैं। ल्यूटिन हमारी बॉडी में हमारे ब्रेन सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत मददगार साबित होता है। और अगर आप डेली बेसिस पे एग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लंबी उम्र तक अपने ब्रेन को हेल्दी और शार्प रख सकेंगे। फिर ये आपके वजन कम करने में बहुत मददगार साबित होता है। एग्स एक प्रोटीन है, जब आप प्रोटीन लेते हैं तो ये आपको फुलनेस की फील आती है, आपको ज़्यादा जल्दी भूख नहीं लगती, क्रेविंग्स नहीं होती। और ऑब्वियसली जब आपको क्रेविंग्स नहीं होंगी तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आप अनहेल्दी फूड की तरफ जाएं या एम्प्टी कैलोरीज लें। इसलिए अगर आप वजन कम कर रहे हैं तो उसमें एग्स बहुत वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें मौजूद विटामिन ए, विटामिन B12 और सिलीनियम ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं। जितने ज़्यादा एग्स आप कंज्यूम करेंगे उतना इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग होगा। और एक स्टडी के मुताबिक अगर आप दिन में 3 होल एग्स जर्दी समेत ले रहे हैं तो वो आपकी सेहत के ऊपर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि आपको बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि किस तरह एग्स कंज्यूम करेंगे तो हेल्दी और किस तरह अनहेल्दी। जैसे मैंने आपको बताया अगर आप 3 होल एग्स डेली कंज्यूम कर रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा डेली करते हैं फिर हो सकता है कि वो आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स डालें। और जो हम लोग डाइट में देते हैं हमारे होल एग्स कम होते हैं, एग वाइट्स ज़्यादा होती हैं क्योंकि हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, फैट लॉस में भी, मसल गेन में भी। फैट लॉस में इसलिए कि अगर आप फैट लॉस में प्रोटीन लेवल ठीक रखेंगे तो आपका मसल का साइज नहीं जाएगा, आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी फैट सेल्स को बर्न करके लेगी, आपका मसल इफेक्ट नहीं होगा,
और वेट गेन में या मसल गेन में ऑब्वियसली आपने मसल को फीड करना है, तो फीड उसकी वो प्रोटीन है। अगर आप 2 या 3 होल एग्स और 7 एग वाइट्स ले रहे हैं, अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, आपको बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो जो मिथ्स हैं कि ये जिस्म में गर्मी हो जाएगी, मैदे में ये हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आपने ये देखना है कि आपने किस तरह उसको कंज्यूम करना है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। 3 होल एग्स कुछ भी नहीं कहेंगे, एग वाइट्स आप 6 ले रहे हैं, 7 ले रहे हैं, वो अपनी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है उसको देख के ले रहे हैं, तो वो आपके लिए हेल्दी होंगी, नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन गलत फहमियों के बारे में जो अंडों से रिलेटेड है कि हम इतने अंडे खाएंगे तो ये हो जाएगा, उसकी कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।